वेरी गुड मॉर्निंग लिटिल चैम्प्स हाव आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एन्जॉय योर स्टडीज़ एट होम स्टूडेंट्स टेक आउट योर साइंस बुक्स एंड कॉपीज ओपन योर चैप्टर सिक्स वुड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स बच्चों इसमें हमने अपना बुक वर्क फिनिश कर लिया था जिन बच्चों ने ना किया हो वो ये पिक्चर्स देख के फिल आउट कर सकते हैं नेक्स्ट हमने इसमें शॉर्ट आंसर्स भी कर लिए थे जो कि ये रहे आपके आज हम बात करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्ड की ठीक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल में सबसे पहले आपने अगर ये ऑलरेडी लिखा हो तो आपको चैप्टर नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है आप लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर वन नोट करेंगे राइट द फीचर्स ऑफ ट्री श्रब एंड हर्ब्स तो पहला है आपका ट्री ट्रीज हैव ए स्ट्रॉन्ग वुड इज स्टेम्स विद कॉल ट्रंक लाइक मैंगोज एप्पल बनाना एंड नीम ट्रीज सेकेंड नंबर पर आपको श्रब को लिखना था तो श्रब्स हैव शॉर्ट बुशी प्लाब्स है प्लान्ट विध वुडी स्टेप्स लाइक रोज तुलसी हिबिस्कस कॉटन एंड हिना श्रब्स नेक्स्ट इसके बाद में आपको थर्ड हर्ब के बारे में लिखना था तो uh, हर, हर्ब्स हैव स्मालीफी प्लान्टॉप स्टेम लाइक ग्रास कोरिएंडर, मैरीगोल्ड, गोल्ड एंड मिंट। क्वेश्चन नंबर टू आपको नोट डाउन करना है ये राइट द सिमिलैरिटी राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस इन डिफरेंस बिटवीन अ क्लाइंबर एंड अ क्रीपर तो सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो आपको पता है क्लाइंबर क्रीपर्स दोनों जो होते हैं वो वीक स्टेम के होते हैं तो लिखना है सबसे पहले सिमिलैरिटी हेडिंग डाल के लिखना है क्लाइंबर्स आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स बोथ हैव अ वीक स्टेम एंड डिफ्रेंस में लिखना है तो आप लिखेंगे क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो अपराइड वाइल्ड क्लीपर्स ग्रो अराउंड द ग्राउंड ठीक है क्रीपर्स जो है वो ग्राउंड पर ग्रो करते हैं और क्लाइंबर्स जो हैं उनको क्या चाहिए होता है स्पेस चाहिए होता है तो आई होप आपको समझ में आया होगा कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आज के लिए वीडियो में इतना ही थैंक यू हैव अ नाइस डे